पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत अधिकारी क्लब में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक डीके सिंह ने बताया कि हर वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाती है, जिसके तहत हम लोग सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाते हैं। हर वर्ष की भांति हम लोग 30 अक्टूबर से यह कार्यक्रम चला रहे हैं, जिससे जो भी रेलवे के संपर्क में आने वाली जनता है उनको सतर्क किया जा सके और हमारे रेलवे के कर्मचारी व जनता उनको भी जागरूक किया जाए। लोगों का प्रयास है कि कैसे भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जा सके, इसके लिए हम लोग सभी कर्मचारियों को जागरूक करते हैं और स्कूल के बच्चों को अभियान चलाकर भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करते हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि युवा पीढ़ी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहे और जो सरकार की नीति है जीरो टॉलरेंस टू करप्शन वो आगे बढ़ सके। Even then, the concerned departments' comments, PHOD's comments are taken on the whether PHOD also thinks that there is a business angle in this case or not. And what are the opinion, what is the opinion of the PHOD regarding the irregularity? What is the magnitude of irregularity? What is the intent behind the irregularity? Whether there are some system problems are there, whether it is related to that or it is to this. PHOD agrees that yes, there is a vigilance angle to the irregularity. Then a case is registered against the officers. If officers are involved, it will be registered against the officers. I am talking here of, now I will talk only of cases in which officers are involved because इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक डीके सिंह ने कहा, जी ये प्रत्येक वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो जन्म दिवस होता है 31 अक्टूबर को, तो उस सप्ताह में हम लोग सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाते हैं और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग 30 तारीख से ये शुरू हुआ है 30 अक्टूबर से और एक हफ्ते तक, इस पूरे हफ्ते तक ये कार्यक्रम चलेगा और इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग तरह तरह से जो भी रेलवे के संपर्क में आने वाली जनता है उनको सतर्कता के प्रति जागरूक करें और जो हमारे अपने खुद के जो रेलवे कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं उनको भी सतर्कता के बारे में जागरूक किया जाए। क्या-क्या मुद्दों पे चर्चा हुई, कौन-कौन से टॉपिक हैं सर? मुख्यतया तो इसमें भ्रष्टाचार को कैसे हम रोक सकते हैं, भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, इसके बारे में हम लोग अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते हैं और कई जगहों पे हम यहाँ तक कि स्कूली बच्चों को भी और प्राइमरी स्कूल से लेकर के और इंजीनियरिंग कॉलेज तक के लेवल के या यूनिवर्सिटी वगैरह के भी लोगों को हम लोग इन्वॉल्व करके और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो युवा पीढ़ी है उसको भी हम लोग कुछ इस दिशा में आगे बढ़ाया जाए ताकि उनके अंदर में एक जागरूकता पैदा हो और जो सरकार की नीति है जीरो टॉलरेंस टू करप्शन उस दिशा में वो आगे बढ़ें और इसकी रोकथाम के लिए सबकी भागीदारी आवश्यक है। न सिर्फ हम लोग की तरफ से प्रयास होना चाहिए बल्कि पूरे कह सकते हैं कि जन भागीदारी भी इसमें आवश्यक है। तो हम लोग का यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके इस कार्यक्रम के माध्यम से और आप लोग जो हैं, जो मीडिया के लोग हैं, उनके माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। इस सेमिनार में जो अभी हो रहा है इसमें बाहर से भी वक्ता बुलाए गए हैं जो कि जैसे डॉक्टर अशोक जानवी प्रसाद जी हैं, तो उनको सब लोग जानते हैं, वो काफी जानकार हैं और हमारे वो देश विदेश में कई जगहों पर उन्होंने प्रैक्टिस भी की हुई है और यहाँ पे भी अभी जो हमारा गोरखपुर में एम्स से उससे जुड़े हुए हैं तो उनको बुलाया गया है। बाकी और भी वक्ता जो अभी श्री पी के राय साहब हैं उनको भी बुलाया गया है जो कि
बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन थे, वैसे वो रेलवे में भी थे और बाहर के भी उन्होंने कार्य किया हुआ है।